में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद वीकेंड कमार एपिसोड में सलमान ने 3 कंटेस्टेंट से दर्शकों को रूबरू करवाया। ऐसी भी खबरें थी कि मोइना मित्रा दोबारा एंट्री ले सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीकेंड कमार एपिसोड में सलमान ने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के रूप में जिन कंटेस्टेंट से मिलवाया वो है हिंदुस्तानी भाव, तहसीन पूनावाला और खेसारी लाल यादव। शो शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेंट को मिलने वाली धनराशि पर चर्चा शुरू हो जाती है। टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई सीजन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली कंटेस्टेंट बताई जा रही थी, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले एक कंटेस्टेंट ने तोड़ दिया है। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक तहसीन पूनावाला बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के लिए हर हफ्ते 21 लाख रुपए ले रहे हैं। इस तरह वो शो में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। शो में जब सलमान ने तहसीन पूनावाला को इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने कहा कि वो ही शो जीत कर जाएंगे। बता दें कि तहसीन अक्सर टीवी के राजनीतिक बहसों में पैनलिस्टिक के तौर पर नजर आते हैं। वो कई समाचार पत्रों में कॉलम भी लिखते हैं। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।